वेलकम बैक टू ब्लूम गार्डन फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मनी प्लांट्स की लीव्स को बिग कैसे किया जाए उसके बारे में बताऊंगी। और उसके लिए मैं दो मेन बातें बताऊंगी, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इनकी लीव्स को बड़ा करने के लिए। देखिए, ये वॉल पर है और ये वाला पॉट, इसकी सारी पत्तियां छोटे साइज की हैं और इसको मैंने जब खरीदा था तो यही मेन प्लांट है और 10-15 पत्तियों वाला एक छोटा सा पॉट लिया था। इसी की सारी कटिंग से मैंने इन सभी प्लांट्स को बनाया और देखिए इनकी सारी पत्तियां बड़ी बड़ी हैं। तो बड़ी पत्तियों की एक अलग ही ब्यूटी होती है और मुझे भी बहुत शौक था कि मेरे भी मनी प्लांट की पत्तियां बड़ी हो जाएं। और ये सभी पॉट तो मैंने उनकी कटिंग से ही लगाया है, उनकी छोटी है, इनकी बड़ी है। ये कितनी बड़ी बड़ी लीव्स हैं, मेरे हाथ से, मेरी हथेली से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं। और जो नीचे की तरफ लटकी हैं, जो मॉसेस स्टिक से टच नहीं है, जिनकी रूट्स, एरियल रूट्स, उनकी छोटी हैं। इस पॉट के अंदर भी ऐसा है। तो देखिए, मैं अब दो रीज़न बता रही हूँ कि छोटी पत्तियाँ रहें और बड़ी उनको कैसे किया जाए। तो मैं पहला सबसे बड़ा रीज़न बताऊँगी, वो ये देखिए, ये मॉस स्टिक है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे, इसके अंदर ये मॉस स्टिक लगा हुआ है और प्लांट की स्टेम में हर लीफ के पास से आपको पीछे की तरफ देखेंगे तो एरियल रूट नज़र आएगी, एरियल रूट्स इसमें नज़र आती है। तो मॉस स्टिक लगाने से ये सारी एरियल रूट्स उसकी मॉस में धीरे धीरे सहारा पाकर बड़ी हो जाती हैं और फिर उसके अंदर चली जाती हैं। और जब हम पानी डालते हैं सॉइल में तो सॉइल की रूट्स एब्जॉर्ब करती है, पूरे प्लांट्स को न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके साथ जब हम इसकी मॉस स्टिक को भी वेट करते हैं तो उस पर भी स्प्रे करते हैं तो वाटर का, तो ये एरियल रूट्स वहाँ से भी वाटर एब्जॉर्ब करके अपने पास की पत्तियों को ताकत देती है और वो ज़्यादा बड़ी होने लगती है। अच्छा, जब इसकी सॉइल हमें ड्राई लगे, तो सॉइल में तो हम तभी पानी दें, 1 इंच 1.5 इंच हमें सॉइल ड्राई लगे तभी पानी दें, लेकिन इसकी मॉस स्टिक को हमें अल्टरनेट स्प्रे करना है ताकि इसकी एरियल रूट वाटर और न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करती रहे। और अब जो है दूसरा रीज़न भी इसी मॉस स्टिक से ही रिलेटेड है कि इस पर हम जब वाटर का स्प्रे करते हैं तो कम से कम वीक में एक बार या 10 दिन में कॉम्पोस्ट का फॉलेज स्प्रे करें। देखिए, कॉम्पोस्ट के भी बनाने का तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि सॉयल में तो जो न्यूट्रिशन हम डालते हैं वो धीरे धीरे प्लांट्स को मिलती है, लेकिन जब हम उसकी एरियल रूट्स और उनकी लीव्स पर इस तरह कॉम्पोस्ट लीव का स्प्रे करते हैं तो फिर वो इंस्टेंट फूड लेती हैं लीव्स और उनकी जो एरियल रूट्स होती हैं। जैसे हम लोग फूड खाते हैं तो धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होता है, लेकिन जब जूस पीते हैं तो जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं, जल्दी से एनर्जी मिलती है और जल्दी काम करना शुरू करते हैं। उसी तरह ये कॉम्पोस्ट भी हमारे मनी प्लांट्स को, चाहे कोई भी प्लांट हो, उसके लिए जूस का काम एक्टिव करती है बहुत फास्ट। तो उसके बनाने के लिए हम ये क्या करेंगे कि जैसे 3-4 चम्मच हमने ये कॉम्पोस्ट की, गोबर की खाद लिया, आप चाहें तो आप वर्मी कॉम्पोस्ट भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ गोबर की खाद लिया, और उसको ये 250 ml वाटर में हमने डालकर रात भर के लिए, 1 दिन के लिए, आप 2 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, छोड़ दें, मैंने इसको रात भर भिगा दिया था। अब इसके पानी को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे ताकि, और स्प्रे बॉटल में इसमें डाइल्यूट करके 10 पार्ट वाटर और लेंगे। जैसे हमने 100 ml इसका पानी लिया तो अब हम इसमें 1 लीटर पानी और मिलाएंगे और फिर हम अपने मनी प्लांट की लीव्स को और उसकी जो एरियल रूट्स हैं उनको अच्छी तरह स्प्रे करेंगे। तो इस तरह ये देखिए, अब हमने इसको भर लिया और इस तरह अब हम इसे स्प्रे करते हैं। तो फिर जो भी कॉम्पोस्ट हमारी बनी हुई है या हमने ज़्यादा बना लिया है तो उसका हम कम से कम डाइल्यूट करके 1 part 100 ml कॉम्पोस्ट जो हमने बनाया है और उसमें 1 लीटर पानी मिला के हम अपने पॉट में भी उसकी मिट्टी को भी पानी डाल देंगे। तो इससे हमारी लीव्स मनी प्लांट की बहुत ही चमकदार और बहुत ही बड़ी बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हमको इस कॉम्पोस्ट टी का पानी को सिर्फ हफ्ते या 10 दिन पे एक बार देना है और प्लेन वाटर का स्प्रे हमको हर अल्टरनेट डेज या 2 दिन के छोड़ कर देना है ताकि जो भी कॉम्पोस्ट टी का स्प्रे का इसमें असर रहेगा वो पानी डालने से रूट्स और लीव्स लेती रहेंगी। तो इस तरह हमें अपने मनी प्लांट को वेट रखना है, उसकी लीव्स को, और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती रहेंगी और बड़ी होती रहेंगी।
बस आपको अपने मनी प्लांट्स की लीव्स को बिग करने के लिए यही दो काम ज़रूर करने हैं, एक तो मॉस स्टिक लगाना है, दूसरा है उसको फॉलेज स्प्रे करना है, और फॉलेज स्प्रे में आपको कॉम्पोस्टी का फॉलेज स्प्रे जो मैंने दिखाया वो करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।